अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, जो भक्त है महाकाल का। जितने भी खेसारी फैंस है भैया, आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और बड़ी खुशखबरी है। जी दोस्तों, बता दें आप लोगों को, कल टीप्स भोजपुरी से खेसारी लाल यादव और केटी यानी खुशबू तिवारी जी का बहुत ही जबरदस्त और फाड़ू बोलबम सॉन्ग आ रहा है भैया, जिस गाने का नाम है भैया भक्त है महाकाल के। जबरदस्त और बेस्ट गाना होने वाला है भैया। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को ये गाना कब रिलीज किया जाएगा और किस चैनल से रिलीज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, भक्त है महाकाल का ये जो गाना भैया, ये जो बोलबम सॉन्ग है भैया, ये जो एल्बम है, इस सॉन्ग को भैया लिखे हैं यादव राज जी, और यादव राज जी ने इस सॉन्ग का भैया पोस्टर अपने फेसबुक पेज से लॉन्च किया है। और बता दें आप लोगों को, इस सॉन्ग के म्यूजिक दिए हैं दोस्तों लॉर्ड जी। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, पटना के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं दोस्तों लॉर्ड जी। इनका म्यूजिक की बात की जाए, लाजवाब म्यूजिक रहता है भैया। और टिप्स भोजपुरी से खेसारी लाल यादव जी का एक से एक बढ़कर एकदम गाना आता है भैया। उस गाने को आप लोग सभी लोग प्यार देते हैं। अभी खेसारी लाल यादव का टिप्स भोजपुरी से एक सॉन्ग आया था भैया, ले आई शंखा पोला ले आई। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, वो गाना ट्रेंडिंग में चला गया था। और बता दें आप लोगों को, ये जो गाना है भैया भक्त है महाकाल के, इस सॉन्ग को भैया टिप्स भोजपुरी से रिलीज किया जाएगा सुबह 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी खेसारी फैंस हैं आप लोग सुन लीजिए रिलीज डेट, भक्त है महाकाल के इस सॉन्ग को भैया सुबह 8 बजे रिलीज किया जाएगा टिप्स भोजपुरी से। तो इस सॉन्ग को आप लोग सुने और भरपूर प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस गाने को भैया प्यार दें, ताकि जितने भी खेसारी फैंस हैं भैया सबों का पावर और सीना ऊंचा हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भैया शेयर कीजिए, ताकि सभी खेसारी फैंस को पता चल सके खेसारी लाल यादव जी का एक और लाजवाब हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग आ रहा है, जो बॉलीवुड लेवल का होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये जानकारी दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों एक लाइक का बटन दबा के अपने मीठे मीठे बात को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद, आई लव यू।